वो दिनेश यादव लक्खा जी बड़े जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और ये सरकार में काम करवाना जानते हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस झूठ का बुलंदा है। उसने झूठ का सहारा ले लेके ही कुछ मतलब कि हमारी वो लिए जो अपनी सीट ली है लोकसभा की। क्या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन सका? देखिए जो घोषणाएं जो भाजपा सरकार में विधायक ने या हमारे मुख्यमंत्री ने की थी, क्या उन पर अमल हुआ? 70 साल का काम अगर आप 10 साल में देखना चाहें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप जो कमियां बता रहे हैं वो अंडर प्रोजेक्ट हैं, सारी सब चीजों के टेंडर भर चुके हैं। अब पंजाबियों की इज्जत कांग्रेस में नहीं है, पंजाबियों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पंजाबियों को वो नहीं देना चाहते, पंजाबियों को पसंद नहीं करते। 3 बार के इलेक्शन हारे हुए को अगर सीट दी जा सकती है तो आगे फिर हम पंजाबी क्या सोचे? क्या उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो पंजाबी की पंजाबी को आगे करे? आप केंद्रीय मंत्री के सचिव हैं, ठीक है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जनता का ये टैक्स का पैसा 200 करोड़ का ये कैसे मतलब लूटपाट हो गई? सर ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है क्राइसिस। आप सब लोग ये कहना चाहते हैं कि महंगाई कोई समस्या नहीं है? महंगाई के साथ लोगों की गवर्नमेंट है, गरीब आदमी की तो बड़ी है, इनकम भी तो बड़ी है, एम्प्लॉयियों का इनकम भी तो बड़ी है। हम लोग दोस्तों नमस्कार, आज हम उपस्थित है देश रोजाना की चुनावी चौपाल पर, देश रोजाना चैनल पर हम आज आए हुए हैं जो बड़कल विधानसभा क्षेत्र है और ये भाजपा उम्मीदवारों का उम्मीदवार धनेश हजलका जी का कार्यालय है। तो इन आइए इनसे बात करते हैं। अभी जो हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ के वो भी पहुँचने वाले हैं। इससे पहले कृष्ण पाल गुर्जर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सचिव डॉक्टर बाठला जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं गौतम जी, आप सुनाइए। तो आपका जो माहौल क्या है इस क्षेत्र इसमें विधानसभा क्षेत्र में? देखो इस समय भारतीय जनता पार्टी की पिछला जो चुनाव हुआ था हम 2500 वोटों से जीते थे, लेकिन अगला जो लोकसभा चुनाव हुआ तो हम 35,000 वोटों के आसपास जीते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये बड़खल विधानसभा है और वैसे ही अब इसके विधायक के चुनाव में एमएलए के इलेक्शन में भी दिनेश सदलखा भी भारी मतों से जीतेंगे, ये हमारी सोच है और इसी तरीके से ही कार्यकर्ता घर घर में अलग जगा रहे हैं, सारी कॉलोनियों में घर अलग जगा रहे हैं, जो कि झोपड़ियों में अलग जगा रहे हैं और कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब ये तो देखिए जो भी उम्मीदवार होता है चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो चाहे कोई छोटा सा उम्मीदवार खड़ा हो वो सारे ही चुनाव का रिजल्ट आने से पहले अपनी जीत पक्की बताते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है आप ये जानते हैं कि 10 साल की भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी है। और जो आपको यहाँ से पिछली जो 2 बार विधायक रहे सीमा त्रिखा जी, आप बताया जाता कि उनको इसीलिए बदला गया कि वो अलोकप्रिय हो गई थी और उनके खिलाफ जो जनमत मतलब हो गया था उन वो लोगों की पसंद नहीं थी। उनके कार्यकाल में जो बड़कल क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने वादे किए थे या सरकार की तरफ से वादे थे अधिकांश पर उनका काम नहीं हुआ या विकास कार्य नहीं हुए, इसीलिए उनको बदला गया। और वैसे भी जितने चैनलों पर या सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं तो उसमें जो है भाजपा का ग्राफ डाउन बताया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जो 2024 के जो चुनाव थे उसमें मोदी फैक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा मतलब हावी था और उसी वजह से आप जानते हैं कि जो आपने बताया कि 35,000 का फर्क रहा, तो कांग्रेस वाले यही बताते हैं कि वो मोदी फैक्टर की वजह से कम हुए, लेकिन वो जो मोदी फैक्टर था वो कमज़ोर पड़ा है और इसलिए अब जो चुनावी माहौल है वो भाजपा के हक में नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोकसभा में भी उनको उतने सीटें नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी और पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कोई बहुत ज़्यादा भाजपा के हक में नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की मजबूरी, आप पार्टी के लोग हैं तो ये कहना हो, लेकिन जो मैंने कहा उस पर आप बताइए। देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है, हमारी
जो विधायक पार्टी की सीमा तिरखा जी भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई ठीक है 10 सालों में थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन उन्होंने भी विकास कार्य करने में कमी नहीं रखी। आज स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने आज पूरी, आप तिगांव विधानसभा से या मथुरा रोड से आप जब विधानसभा में घुसते हो बड़कल विधानसभा में, तो कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो कंक्रीट और बड़ी सुंदर ना बनी हुई हो, चौड़ी ना हुई हुई हो, गड्ढों से मुक्त ना हो, तो सारी रोड उन्होंने बनवाई हैं। आज बड़कल झील, किसी जमाने में जब हम छोटे होते थे तभी बड़कल झील का उद्धार होता था और यहाँ आसपास जब भी दिल्ली कोई घूमने आता था तो वहाँ सैलानी आते थे, तो उसका भी उद्धार इसी काल में ही हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी की प्रत्याशी ने कार्य नहीं किए, उसने लगातार मेहनत करके उन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के तहत थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। बाकी जो रुके हुए काम हैं वो दिनेश अदलखा जी बड़े जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और ये सरकार में काम करवाना जानते हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस झूठ का बुलंदा है, उसने झूठ का सहारा ले लेके ही कुछ मतलब कि हमारी वो लिए जो अपनी सीट ली है लोकसभा की, वरना हर चीज पे उनका झूठ का पुलिंदा आज वो है। आज हमें अफसोस होता है कि उनके जो सर्वोसर्वा सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको आज विदेश में जाके वो कैसे हमारे इंडिया की इंसल्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इंडिया के बारे में बोल रहे हैं या के लोगों के बारे में, चलिए कोई तरीका नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, आपको ये बोलना ही चाहिए, मजबूरी भी आपका बोलना ये सब, लेकिन अभी आपने कहा कि जैसे ही हम हाईवे से नीचे उतरते हैं बड़कल क्षेत्र में, हाँ जी, और वहाँ पुल के नीचे अंडरपास पे रेलवे उस पे 2 आदमी डूबकर जवान अधिकारी मर जाते हैं, जो उससे अगले वाला है पुल है आज तक वो नहीं बना है, और जो स्मार्ट सिटी की हालत है, जो बरसात में जो पानी जिस तरह के कॉलोनियों की तो बहुत दुर्गति है, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो स्मार्ट अपने सेक्टर हैं उनमें भी जो है सफाई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी का नहीं है, और जो सीवरेज है वो सेक्टरों में, जो स्मार्ट सिटी के सेक्टरों में सड़कों पर फैला हुआ है, लोगों के घरों में बदबू घुस रही है, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है कि आम आदमी की कमर टूट गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और महंगाई से तो सब त्रस्त कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल है बीके का, उसके प्रशंसा बहुत की जाती है, सरकारी जो बयान आते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखिए कुछ भी नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती, जो दावे किए गए हैं उसमें से इलाज कुछ भी नहीं होता, तो बहुत सारी समस्याएँ, चाहे वो मजदूरी की है, चाहे युवाओं की है, बेरोजगारी की है, सफाई की है, और मैंने उदाहरण बताया कि सड़कें इतनी टूटी पड़ी हैं, हम अपने उसमें दिखाएंगे अभी कैसे सड़कों का क्या हाल है, कुछ हाईवे की सड़कों को छोड़कर और कुछ खास सड़कें बनी हैं, पूरे NIT या ये जो पूरा क्षेत्र है बड़कल का, सफाई के लिए कोई नहीं जाता है नगर निगम से, और जो आप जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, आपको मालूम है कि 200 करोड़ के घोटाले आपके इसी फरीदाबाद की नगर निगम में हुए हैं। तो मैं अब आगे बात करना चाहूँगा, सरदार जी आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेजवंत सिंह है। तेजवंत जी, आपका क्या कहना चाहेंगे, क्या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन सका? देखिए जी, जो घोषणाएं जो भाजपा सरकार में विधायक ने या हमारे मुख्यमंत्री ने की थी, क्या उन पर अमल हुआ? वो घोषणाएं सारी कामयाब रहीं? यदि कामयाब होती और प्रदेश की जनता खुश होती तो उनको जो है मुख्यमंत्री को 9.5 साल के बाद बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए जी, माँ के पेट से तो चलना कोई भी नहीं सीखा। 70 साल का काम अगर आप 10 साल में देखना चाहें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। 70 साल के अंदर जो काम नहीं हो सका वो 9.5 साल 10 साल में हुआ है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारी जो आप जो कमियाँ बता रहे हैं वो अंडर प्रोजेक्ट हैं, सारी सब चीज़ों के टेंडर भर चुके हैं। सीवरेज का भी टेंडर बनाया गया है और सड़कों का जो कमी पेशी रह रही है, 10 साल में टेंडर ही रह गए सर, टेंडर बन चुके हैं लेकिन आचार संहिता की वजह से रुके। 200 करोड़ पेमेंट कर दी गई सड़कों की और अन्य कामों के लिए, क्या आप ये सोचते हैं काम नहीं हुए क्या? ये मैं तो बता रहा हूँ, हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, हम बताएंगे कि स्मार्ट सिटी की इसकी क्या हालत है। सर रही आपकी बात के 10 सालों में इतना काम हुआ है,
कुछ आपकी एक सांसद तो कहती है कि भाई आजादी 2014 में मिली है। सर सांसद कहते नहीं, कहते हैं सर हमारे पहले तो मैं आपसे, हमारी विधायिका ने काम किया है यहाँ पे और आगे भी अब भाई दिनेश अदल को ये कमान दी गई है तो ये कमान को आगे वो चलाएंगे, इसी मशाल को आगे बढ़ाएंगे और बच्चे कुचे काम जो भी हैं दिनेश अदलखा जी पूरे करेंगे। ये मैं अपनी जनता से भी कहना चाहता हूँ, अपने फरीदाबाद भटकल निवासियों से भी कहना चाहता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गुजर पंजाबी का चला रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ही परिवार है सिर्फ, कांग्रेस के पास और कोई परिवार ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ बोलते हैं 36 बरादरियों को साथ लेकर जाते हैं। एक बात बता दो मेरे को, मैं भी कांग्रेस से रहा हूँ, शायद गौतम जी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पापा के नाम से एक चौक भी चलता है यहाँ पे, कल्याण सिंह चौक वो आपको पता ही है। और इस चीज के बावजूद भी मैं कांग्रेस छोड़ के इसमें आया हूँ तो कोई वजह होगी, जिस परिवार के साथ मेरा अच्छा रिलेशन हो, जिसके सरपरी के साथ मेरे परिवार के अच्छे रिलेशन हो, उसके बावजूद भी मैं बीजेपी में हूँ तो कोई वजह से होगा। उनके पास बिल्कुल, आपके पास अच्छी वजह है, मजबूत वजह है, क्योंकि उस कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने ही एनआईटी और ये क्षेत्र बसवाया था जिसमें आप कांग्रेस में रहे और आपके पिताजी परिवार का योगदान रहा पूरा। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते भी कांग्रेस ने ये बसाया ही एनआईटी फरीदाबाद है। उसके बावजूद मैं आपको गौतम जी एक चीज और बता दूं, अब पंजाबियों की इज्जत कांग्रेस में नहीं है, पंजाबियों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पंजाबियों को वो नहीं देना चाहते, पंजाबियों को पसंद नहीं करते। 3 बार के इलेक्शन हारे हुए को अगर सीट दी जा सकती है तो आगे फिर हम पंजाबी क्या सोचे, क्या उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो पंजाबी को आगे करें? आपकी बात में बिल्कुल दम है और कांग्रेस पार्टी की शायद ये कमी रही है कि उन्होंने पंजाबियों को कम वोट रही है, चर्चा है भी और कई बार उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। ये तो चलिए कांग्रेस नेता तो जाने कि भाई उन्होंने पंजाबियों को क्यों इतने कम वोट दिए। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, आज 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे यहाँ पे जी, और उस टाइम में भी 1 सीट पंजाबियों की होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज 6 सीटों में भी हम पंजाबियों के लिए 1 सीट नहीं है। नहीं नहीं, देखिए जो यहाँ पंजाबी क्या सोचे, जो इस विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनका ये दावा बिल्कुल जायज है कि पंजाबियों को उनका हक मिलना चाहिए और शायद मतलब ज़्यादातर जनता ये कह दी है कि ये इलाका मतलब पंजाबी बाहुल्य है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान से वो टेक्निकली बात हो सकती है, मैं उस बात से सहमत हूँ। और ये तो देखो कांग्रेस नेतृत्व को देखना है, लेकिन यदि न्याय की बात कहें जो जनता कहती है तो ये पंजाबियों की सीट बनती है, इसमें मुझे भी कोई शक नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादातर जनता का ये मानता है। किसी महिला या भाटी जी आप बताइए, आपका पूरा नाम बताएं। मेरा नाम उत्तम सिंह भाटी है, मैं चेयरमैन हरियाणा सरकार हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से पैनल प्रवक्ता रहा हूँ। देखिए भटकल विधानसभा हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, अभी बाटला जी ने आंकड़ा आपको दिया था पार्लियामेंट में, 35,000 से हमने इस विधानसभा को लीड किया है। दूसरी बात, जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि सीमा जी को टिकट नहीं दी, या ये पार्टी का एक अपना फैसला होता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है। सीमा जी ने बहुत अच्छे काम किए, उनको नकारा नहीं जा सकता और आज भी वो पूरी तरह से पार्टी के लिए लगी हुई हैं। कुछ दूसरी बात, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, मैं ज़रूर उस पर बोलना चाहूँगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ये कहीं गारंटी नहीं कि हमने 100% ठीक कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भटकल विधानसभा की बात तो करता ही हूँ, मैं पूरे देश की बात करता हूँ कि जो काम पिछले 70 सालों में हो जाने चाहिए थे वो काम इन 10 सालों के अंदर किए। इससे पहले हुड्डा साहब की 10 साल सरकार रही, आप दोनों को कंपेयर कर लो। स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं तो कंक्रीट जो 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 RCC रोड बनाया वो भाजपा के समय कितना बना और कांग्रेस के समय कितना, 900 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए कांग्रेस के समय आए, उनका कहां पता लगा? नहीं, RCC की बात हो गई, सड़कों की बात हो गई, और जो आप कह रहे हैं कि 10 साल की बात कह रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक 70 साल दूसरे पार्टियों का शासनकाल रहा या 65 साल, तो देश जो है 2014 से ही बनना शुरू हुआ, आगे चला है? नहीं, तब उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए जो कांग्रेस ने किया उतना काम
सफिशिएंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में उतना काम किया जो पिछले 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मेरा कहने का अर्थ है। बिल्कुल भाटी जी आप सही कह रहे हैं, भाजपा के नेता होने के नाते आपको ये कहना भी चाहिए। चलिए अगले। नहीं ये सत्य बात है जो सामने है। हाँ जी, आपका क्या शुभ नाम है आपका? सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर, क्या करते हैं आप? अभी तो जी आप देख ही रहे हैं कि कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। 365 दिन थोड़ा कम ये काम करते हो जी। ऐसा है कि एक छोटी सी दुकान चलाते हैं हम, एक नंबर बी ब्लॉक में, और अपना यही कार्य है। काम धंधा कैसा है? काम धंधा ठीक है। लोग तो कहते हैं कि ऑनलाइन चला गया सारा इस सरकार में, जो छोटे दुकानदारों के लिए कुछ आज ऑनलाइन की सुविधाएं भी तो आप और हम ही ले रहे हैं। नहीं नहीं ले रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदार तो परेशान है, पूरे एनआईटी फरीदाबाद में देख लीजिए। आप एक नंबर मार्केट में चले जाएं एक बारी तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप पैदल भी निकल पाए। हाँ, पार्किंग की भी जगह नहीं है। नहीं, पार्किंग को लेके आप समस्या नहीं कह सकते। लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ जितने भी हमारे और प्रवासी भाई या टाउन के लोग हैं या कुछ भी, कहीं भी फरीदाबाद के किसी भी एरिया में, मैं संपूर्ण विधानसभा में इस यहाँ की बात करूंगा, जो अगर मैं भटकल विधानसभा की बात करूं तो शायद पूरे फरीदाबाद की, हाँ, लोकसभा में से सभी लोग एनआईटी की मार्केट में परचेज करने और भटकल विधानसभा में ही आते हैं। नहीं, मतलब इसका मतलब है कि दुकानदार बहुत खुश हैं। बिल्कुल खुश है, इतना ज्यादा व्यापार चल रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आज आप जीएसटी की कैलकुलेशन देख लीजिए। आज हमारे देश में हरियाणा सबसे नंबर वन है जो 4% का योगदान दे रहा है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि जीएसटी से महंगाई बहुत बढ़ी है। आम आदमी, दुकानदार, छोटे जो उद्योग थे, वो जो लोगों का कहना है वो तबाह हुए हैं, परेशान हुए हैं। और जो छोटे वर्कशॉप थी जहाँ 5, 10, 20, 50 तक जो वर्कर काम करते थे, वो तबाह, लघु उद्योग तबाह हो गए जीएसटी के आने के बाद और नोटबंदी के बाद। आम आदमी के लिए बहुत समस्याएं खड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है बोलना, बोलिए। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है, ये एक सत्य है। आज पूरे विदेश में हमारी यूपीआई डिजिटल पेमेंट की, आज शायद आप भी मोबाइल पे यूपीआई यूज करते होंगे, पेटीएम, मैं भी करता हूँ। मेरी जेब में कैश है। मेरी जेब में नहीं है। तो आज इतनी जन सुविधाएं मिल रही है सबको, तो ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है, मतलब, और नीचे जमीन तक पहुंची है वो। आम दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति बहुत खुश हैं। तो मैं अपने भाई से एक बात कहूंगा, किसी दिन हम मार्केट में चलते हैं और एक दुकानदार के साथ आपके साथ सहयोग में रहूंगा। जगन्नाथ जी, आप जीएसटी की जहां बात करते हैं, इससे व्यापार ज्यादा बढ़ा है, व्यापारी का जो बर्डन है, क्योंकि वो उतना ही पैसा जो परचेज में दे के आ रहा है, उतने आगे उसने पैसे जो है अपने बिल में चार्ज किए, इसलिए हाथों हाथ उसका रिफंड हो रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। वर्कशॉप की जहां आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है देश में, व्यापार देश में बढ़ा है, रोजगार देश में बढ़ा है, ये सब कुछ हुआ है। और बड़खल विधानसभा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भाई धनेश अदलक्का निश्चित तौर पर बड़खल विधानसभा को जीतेंगे। आप कुछ कह रहे थे, कुछ छूट गया था आपसे। मैं कह रहा था कि आप जो सीवरेज की प्रॉब्लम बता रहे थे, तो ये सीवरेज का काम और रेनिवेल का काम, हमने इस नगर निगम में अगर कुछ गलत हो रहा था तो उससे हटाते हुए हमने एफएमडीए को दे दिया है। एफएमडीए जो है, अब सारी जितनी पहली बार फरीदाबाद के अंदर जितनी भी चाहे नहर पार हैं, चाहे वो मथुरा रोड थे पूर्व की साइड है चाहे पश्चिम साइड है, इनकी जो मेन लाइन है सबकी बिल्कुल जमीनी सतह तक सीसीटीवी कैमरे लगा के सफाई की जा रही है और उनकी इंक्वायरी हो रही है। साथ साथ जब उसकी तसल्ली हो जाएगी, ऑफिसर्स की सबकी तसल्ली हो जाएगी कि वाकई बिल्कुल लाइन के जो पाइप दिखने लगे हैं बिल्कुल वो खत्म हो गई है, तो उसको वो करने के लिए काम चल रहा है एनआईटी क्षेत्र में भी। जब वो काम चलाया जाता है, इधर से बरसात का मौसम है तो कई जगह पर उसके डक्के लगा दिए जाते हैं जब उसकी सफाई करनी होती है, तो ऐसे में पीछे पानी रुक जाता है, थोड़ी समस्या ही आ रही है। लेकिन जब ये पूरी इधर सैनिक कॉलोनी से लेकर 21 ए सेक्टर तक पूरी की पूरी लाइन साफ की जा रही है बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा, और मैं बीच में टोकना चाहूंगा। हाँ जी, सेक्टर 21 ए की बात कर रहे हैं, सेक्टर 21 ए में जाम पड़ी है सारी सीवरेज। यस, वहाँ सफाई के लिए कोई नहीं आता है उधर से। उधर बिजली जो अभी तो थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई है, नहीं तो एक एक दर्जन बार आधा घंटे के लिए बिजली आती है, आधे के लिए जाती है। देखिए, डेली सिर्फ 25 मीटर ही उसकी सफाई हो पाती है और वो पहुँचते पहुँचते महीना डेढ़ महीना लगेगा। आपके 21 ए सेक्टर में हमारा डिस्पोजल है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ 1.25 करोड़ लीटर डेली पानी हम नाले में फेंक देते हैं। अब उसी पानी को यूज कर रहे हैं हम बड़कल लेक में, उसको संशोधन करके
दूसरी बात आती है सफाई की। सफाई का आपको पता है कि जैसे जनता की डिमांड थी और जनता को परेशान कर रही थी इको ग्रीन, हमने उसको ब्लैक लिस्ट करके उसको हटा दिया और दूसरी कंपनियों को ठेका दिया है जिनका वर्क ऑर्डर हो चुका है, लेकिन उनका कार्य जो है अभी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे उसके बाद आ जाएगा। जहाँ तक रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार के लिए भी जो जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी इंक्वायरी चल रही है, दोषियों को दंड मिलेगा इसमें, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। 200 करोड़ गया कहाँ? यदि फरीदाबाद के विकास में लगता तो कितना फरीदाबाद चमक जाता, ऐसा सिटी का कुछ ऐसा शक्ल बदल जाती। उसकी इंक्वायरी सामने आने जाओ, इंक्वायरी 200 करोड़ है, 100 करोड़ है या 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, कितना पता चलेगा। जो भी दोषी होंगे उनको दंड मिलेगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। डॉक्टर बाटला, आप केंद्रीय मंत्री के सचिव हैं, ठीक है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जनता का ये टैक्स का पैसा 200 करोड़ का, ये कैसे मतलब लूटपाट हो गई? निश्चित तौर पे हुई, अगर कोई ऐसे भ्रष्टाचारी बहुत पड़े हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार ऐसा करता है, किसने होने दिया? देखो मैं कहता हूँ, ये अधिकारी हैं, कैसे वो कर लेते हैं ठेकेदार से मिलके, कैसे कर लिए, अभी ये हुआ नहीं हुआ, अभी तो जांच का विषय है। गिरफ्तारियां वैसी हो गई? हाँ, जब जांच के विषय में जो जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनसे ये पैसा वसूला जाएगा। अमित आहूजा। अमित आहूजा जी, क्या करते हैं आप? मैं बीजेपी मंडल अध्यक्ष। अच्छा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे फरीदाबाद के बारे में? मैं पिछले 10 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज, हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनी, तब से जो है भटकल विधानसभा का ही नहीं पूरे देश का स्वरूप बदल चुका, और ये जनता इस बात को देख रही है, और जनता का मोदी जी में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, और सारी जनता इस बात को समझ रही है कि देश को आगे बढ़ाने वाला केवल और केवल एक ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मतलब और जो पिछली सरकार है बनी, किसी ने कुछ नहीं किया, जीरो। 60 साल में अगर हम ये इस चीज़ को देखेंगे तो जीरो ही रिपोर्ट है। मतलब आप भी यही कहना चाहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद ही मिली, और जो भी देश में विकास कार्य हुए वो भी 2014 के बाद ही। आज़ादी के बाद हम पूर्णतः आज़ाद कब हुए? आपकी सांसद कहती है। नहीं देखिए, आज़ादी के बाद जो रनौत, आप मेरी बात सुनिए, जो आज़ादी के बाद भी जो पूरी आज़ादी है जो हमें देश को, अब आप एक बात देखिए, विदेशों में भारतीयों की जो इज्जत बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के आने के बाद हुआ, ऐसा पहले तो नहीं था। पहले बेइज्जती होती थी आपके सामने, ताज्जुब है कि पहले बेइज्जती होती करा। 2014 से पहले क्या सम्मान से देखा जाता था भारतवासियों को, वो आपके सामने, और 2014 के बाद क्या रहा वो आपके सामने। देखिए, जो आप कह रहे हैं कितने सम्मान से देखा जाता था, कितनी भारी इज्जत है, हमें मानना चाहिए, हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो अपना ही मीडिया, उससे आप कुछ भी कहलवा लीजिए, कुछ भी बढ़ के मरवा लीजिए, लेकिन जो विदेशी, जब विदेश में जाते हैं वहाँ का मीडिया क्या कहता है, उनकी आप रिपोर्ट देखिए तो तब पता चलेगा कि कितना सम्मान है, कितना जो आप कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, यहाँ तो देश के हर नागरिक, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, उनकी मोदी जी की और भाजपा के प्रति आस्था देख सकते हैं, और कितनी आस्था है उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये आपके सामने। मतलब रिजल्ट हमारे सामने है जी, देश में चरम पर महंगाई है, चरम पर बेरोजगारी है, यदि हम यहाँ की स्मार्ट सिटी की बात करें तो गंदगी है, सीवरेज है, पीने के पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है, और आप कुछ और ही कह रहे हैं, जनता कुछ और कह रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप किसी भी निर्माण कार्य को करते हैं तो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के काम होते हैं जो टाइम टाइम पर लगे रहते हैं जी। आज जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी के राज में मिली, ऐसी सड़कें नहीं थी, और लेकिन जब सड़कें बनेंगी वक्त के साथ उनकी मेंटेनेंस भी होगी, टूट फूट भी होगी, और भी काम चलेंगे, हर जगह कार्य प्रगति पे। मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि जो पिछली सरकारों ने काम किया था वो आपने बढ़ाया, यदि सरकार बदलती है तो आपके काम को बढ़ेंगे, ये तो एक सिलसिला है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सेवा के लिए, क्या बल्लभगढ़ से गुड़गांव तक ट्रेन चली? देखिए, हर चीज़ का समय लगता है, सब जगह काम चल रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, काम चल रहे हैं, कोई काम रुका नहीं है। 2 साल कोरोना में भी पूरा देश में प्रगति के कार्य रुक गए, वो हम सभी ने देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकास की रफ्तार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही, तो ऐसी रफ्तार कभी भी नहीं रही। चलिए,
तो आप क्या करती हैं? मैं एनसीबी में रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ। अच्छा अच्छा, भाजपा पार्टी में पदाधिकारी हैं। अच्छा, ईमानदारी से बोलिएगा, जो भी बोले ईमानदारी से बोलूँगी, सच बोलूँगी। मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, झूठ का सहारा तो मैं कहीं नहीं लेती। देखिए, आम महिलाएं जो किचन में काम करती हैं, उनका मतलब दावा है कि हर चीज़ के दाम दोगुने हो गए हैं, दालों के दाम दोगुने हो गए हैं, घर खाने के तेल के दाम दोगुने हो गए हैं, गैस जो चार सौ रुपये में मिलती थी जो, वो 1100 रुपये तक पहुंच गई है। तो मैं किचन में तो डबल महंगाई है। अब सैलरियां भी तो बड़ी हैं, आप पहले सैलरी कितनी होती थी, 10,000-15,000, अब 2-2 लाख, 2.5 लाख सैलरियाँ है। आप सैलरी की बात कर रही हैं, लाखों नौकरियां चली गई हैं, आप सैलरी की बात कर रही हैं। मजबूर हुए हैं लोग, क्योंकि उनकी छटनी हुई है। जो रिलायंस है ना, रिलायंस 42,000 कर्मचारियों की छटनी हुई है। लेकिन मैं तो किचन की बात आपसे करना चाह रहा हूँ। इतना तरक्की हुई है कि हर महिला दुखी है जो किचन की महंगाई है। ये तो सरकार को देखना चाहिए। लेकिन मैं भी वही कह रहा हूँ कि सरकार को देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको नहीं दिखता कि किचन की हालत बहुत खराब है? दाल रोटी आप बाहर जाके देखिए, फॉरेन में वहाँ कितनी महंगाई है, और हमारे देश में कितनी महंगाई है। यहाँ पे तो लंगर भी चल रहे हैं, लोग लंगर भी खा रहे हैं। मैं विदेश भी जाता हूँ, मुझे विदेशों की भी बारे पता है। मैं वहाँ का देखो सिस्टम, हमारे यहाँ का सिस्टम, लगभग एक दर्जन देशों की भी यात्रा। आप ये बताओ, ये 5,000 में राशन पूरी रसोई भरती है, 2 महीने चलती है, 5,000 में 2 महीने आराम से चलती है। आप दालें ले आओ, आटा ले आओ, चीनी ले आओ, कितना है, कितना लग जाएगा? पहले आटा क्या भाव होता था, अब 50 रुपए है जो बढ़िया वाला गेहूं का लो, जो पहले 15 रुपए होता था। तो 1500 की बोरी है महीने की, 25। क्राइसिस तो सर ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है क्राइसिस। आप सब लोग ये कहना चाहते हैं कि महंगाई कोई समस्या नहीं है? महंगाई के साथ लोगों की गवर्नमेंट है, गरीब आदमी तो बड़ी है, इनकम भी तो बड़ी है, एम्प्लॉयियों का इनकम भी तो बड़ी है, हम इनकम बड़ी है। मैं एक बात बताऊं, जब 100 रुपए किलो टमाटर हुआ था। नाम क्या? नाम? मेरा नाम खुशबू है, मैं एक आम महिला हूँ। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, बीजेपी से। कौन से इलाके? एनएच मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। सर, जब 100 रुपए किलो टमाटर हुआ तो टमाटर तो 100 रुपए से नीचे आ गया, लेकिन जिन्होंने महंगाई बढ़ा दी, उन्होंने महंगाई को और आगे कर दिया, उसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है। आपको मालूम है जी कि जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज जी, हाँ जी, इतनी प्याज की महंगाई हुई थी कि प्याज के पीछे भाजपा की सरकार गिर गई थी दिल्ली की। आप क्या बात कर रहे हैं? देखो सर, ऐसा है कि हर चलिए भाजपा के राज में गिरी थी सर, वो लड़ाई किसने थी आपको अंदर से पता है ये चीज? वो आपको अंदर से अच्छी तरीके से पता है वो किसने बढ़ाई थी? अच्छा, आपने बढ़ाई थी, मुझे आपको अंदर से पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्यों नाम खुलवाते हो, क्यों किसी के पर्दे खुलवाते हो? उस टाइम मैं भी उसी पार्टी में था। एक मिनट गौतम जी, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा था बीच में। आपने अभी जैसे क्वेश्चन रखे बीजेपी के लिए, मेरा नाम कमल चोपड़ा है। कमल चोपड़ा, बताएंगे कहाँ रहते हैं? इसी मंडल में रहता हूँ। क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ठीक है, बताएं। ठीक है सर, कही अपनी बात। आपको पहले तो आपकी सबसे पहली बात का मैं जवाब देता हूँ। पहले GST पे आपने क्वेश्चन उठाया था, मेरा प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम है जी जी जी, और मेरा वास्ता डेली दुकानदारों से और इंडस्ट्रीज से पड़ता है, और मैं जिस भी इंडस्ट्रीज के पास गया हूँ ना, शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा इंडस्ट्रीस्ट है जो कि मोदी साहब को पीछे गालियाँ निकालता है। अच्छा, और 99% वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने, हम पहले चोर थे, टैक्स की चोरी करते थे पहले सरकार में, ये मोदी जी आए, हम खुल के काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर चोर थे ये कहते हैं वो? प्रॉपर्टी डीलर नहीं, कोई भी इंडस्ट्रीस्ट कहते हैं, इंडस्ट्रीस्ट का कहना ये, बिजनेसमैन खुद ही कहते हैं हम चोर थे, हम टैक्स की चोरी करते थे, हमें रास्ते बताए जाते थे, बकायदा CA से रास्ते बताए जाते थे कि कैसे टैक्स बचाना है, कैसे चोरी करनी है। आज वही व्यापारी कहता हम खुल के टैक्स देते हैं और बिल्कुल बेहिचक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हमारा काम बढ़ा है। मतलब रियल में राम राज है, रियल में भी राम राज है। कोई और सबसे बड़ी बात, दुखी नहीं है। एक मिनट गौतम जी, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं लोगों की, नहीं बात बता रहा, स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में 1 रुपया ऊपर से चलता है डेवलपमेंट के लिए, और नीचे पहुँचते पहुँचते 10 पैसे हो जाते हैं। गलत कहा था? चलिए ठीक है, तो ये था हमारे धनेश्वर द्विवेदी का कार्यालय, जो बड़कल सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता थे, महिलाएं थीं, पदाधिकारी थे,
और सबसे बड़े कहाँ गए डॉक्टर बाठला जी जो केंद्रीय मंत्री जी के सचिव हैं, उनसे भी बातचीत हुई और इससे जो है पता चला है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी यहाँ से भाजपा की विधायक जीतेगी और हरियाणा में भी सॉरी भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो ये उनका हक भी बनता है, इससे हटकर वो कुछ कह भी नहीं सकते। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, देश रोजाना चौपाल है जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आम और खास के बीच में जा रहे हैं और लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या उम्मीद है या आम जनता है। तो ये तो हमारा आज का कार्यक्रम चौपाल, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत।